गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस लास्ट समरीकरण देखना चाहते हैं। बहुत आरटीओ एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अ बेल्ट इज रनिंग ओवर अ पोली ऑफ डायमीटर 1000 मिलीमीटर एट 300 आरपीएम। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 150 डिग्री एंड कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.3। इफ द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 3000 न्यूटन, फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड इन द बेल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। इसमें क्या निकालना है, सिर्फ पावर ट्रांसमिटेड निकालना है। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट मींस मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है, टाइट साइड होती है, तो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा क्या है आपके, पहला क्या गिवन है आपको, गिवन है इसमें D1 गिवन है 1000 मिलीमीटर, N1 गिवन है आपको 300 आरपीएम, देन आपको म्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, थीटा एंगल ऑफ लेयर गिवन है 150 डिग्री। ये जो डेटा है आपको, कुछ डेटा आपको गिवन। अब इस न्यूमेरिकल को करने के पहले न्यूमेरिकल में जो गिवन है, एक और गिवन है मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट। इसका मतलब आपका टी मैक्स इक्वल्स टू कितना होता है, T1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3000, हमें ऑलरेडी गिवन। इट मीन्स हमें T1 गिवन है 3000 न्यूटन, क्योंकि टाइट साइड टेंशन ही, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं दी हुई है, तो टाइट साइड टेंशन ही हमारी क्या होती है, मैक्सिमम टेंशन होती है, तो T1 हमें ऑलरेडी गिवन। देन पावर निकालने के लिए हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट क्या होता है, P इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू V। सबसे पहले हम V की बात करते हैं। यहाँ पे पावर निकालने के लिए V के लिए हमारे पास गिवन है D1 D2 पाई D1 N1 बाय 60। हम ये मीटर में लेंगे तो पाई इंटू 0.1 मीटर में चेंज कर देंगे, 300 डिवाइड बाय 60। यहाँ से हम देखेंगे हमारी V की वैल्यू आ जाएगी, तो V की वैल्यू आएगी आपकी 1.57 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी V की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे T1 T2 में जो रिलेशन होता है, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू की पावर म्यू थीटा, ये रिलेशन होता है। अब T1 की वैल्यू तो पता है, म्यू थीटा भी गिवन है, म्यू 0.3 गिवन है, थीटा 150 इंटू पाई बाय 180 हमें गिवन है। इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.19। अब यहाँ पे हम रख देंगे 3000 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल्स टू 2.19। यहाँ से हमारी T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1369.86 न्यूटन। ये आपकी T2 की वैल्यू आएगी। अब T1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और T2 की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पावर क्या आएगा इसके रेस्पेक्ट में आपका, हमें निकालना है इस न्यूमेरिकल में, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पावर आपका आएगा, पावर विल बी T1 की वैल्यू आई थी हमारी गिवन ऑलरेडी 3000 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ गई 1369.86 और 1.57। ठीक है, तो पावर कितना आ गया इसके रेस्पेक्ट में, तो पावर आ गया 2559 वॉट। ठीक है, ये आ गया। देन किलोवाट में लिखेंगे ना, 2.55 किलोवाट पावर आपका है। बस इतना ही निकालना था इसमें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।